हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर बॉय लोकल बॉय। तो गाइस, फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, अभी अभी हमने जो छोटा बहुत काम पड़ा हुआ है घर पे, बाद अभी हम पका रहे हैं सुबह का ब्रेकफास्ट और दिन के लिए भी लंच बना रहे हैं साथ साथ में। तो क्या होता है कि अभी फर्स्ट टाइम लाइफ में अकेला रहन बैठ रहे तो बहुत ही तकलीफ हो रहा है, क्योंकि कभी नहीं बैठा है लाइफ पे अकेला रहन। घर पे ही सब कुछ हो जाता था, खाना पीना तो पकाना नहीं पड़ता था, घर वाला पकाता था। कभी कभी बस भूख लगने से एक्स्ट्रा से हम कुछ बना के सब्जी वगैरह बना के खा लेता था। बहुत ही तकलीफ है। ऊपर से जो मेरा आधा पैसा है वो तो पूरा यही खा गया। तो गाइस, कल मेरा कुछ दोस्त आया था, एक्चुअली नामसाई पे यहाँ एक फेस्टिवल मना रहा था, पोई पी माओ ऐसा कुछ था, वो प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। तो यहाँ कुछ फेस्टिवल था कर, तो हम लोग वहाँ घूमने गया था और रात को थोड़ा सा बैठा था, तो दोस्त लोग पूरा बर्तन गंदा करके चला गया, तो अभी हम साफ कर रहे हैं। वेल गाइस, तो मेरा बर्तन ताली धुला के हो गया अभी, और घर भी बहुत बिखरा पड़ा हुआ है, तो बाद में क्लास जाके हम साफ कर लेगा रूम भी। एक्चुअली ऐसा ही होता है जब घर पे दोस्त आता है। गाइस, देख सकते हैं धूम निकल चुका है और सुबह का बज रहा है अभी 6:30 या 7 है, ऐसा कुछ हो रहा है। एक्चुअली टाइम नहीं दिखा है। तो जो मेरा किचन गार्डन था उसका सब्जी भी सब बड़ा हो चुका है, बड़ा हो के जंगल ही उग गया पूरा। तो हमको यूजुअली फ्रेश वेजिटेबल्स खाने का शौक है, तो इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि हमको दिखाना है कि आप लोगों को जो मेरा वेजिटेबल्स से बड़ा हो चुका है, तो आज इसे ही बना के खाएंगे। तो सब्जी खाने लायक हो चुका है, इसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये क्या होता है कि बहुत टीटा हो जाता है, तो वो टीटा पसंद नहीं है। और ये जंगल भी वापस एक बार साफ करना पड़ेगा अगर प्रिय होगा तो। गाइस देखो कितना तो रहा है सब्जी, कितना और फ्रेश लग रहा है। और गाइस, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारा अरुणाचल में बाइक कम्युनिटी का लेवल बहुत ही ज़्यादा पोर है। अगर देखो, हमने उस दिन एग्जॉस्ट डाला, अगर हम लोग अरुणाचल में यहाँ अगर आप एग्जॉस्ट डाल रहे हैं तो बाइक पे आपको पब्लिक लुक है, वो सोचेगा बदमाश वाला है, ऐसा डायरेक्ट थिंकिंग है वो लोग का। ऐसा कुछ नहीं होता है, एक बाइकर्स का भी एक शौकीन रखते हैं। इवन इन नॉर्थ ईस्ट में इतना डेवलप है बाइकर्स का कम्युनिटी, जैसे शिलोंग देख लो, गुवाहाटी देख लो, बहुत सारा सुपर बाइक्स का ग्रुप है और भी बहुत ढेर सारा बाइकर्स का ग्रुप रहते हैं वहाँ पे। हम लोग अरुणाचल में ही बस थोड़ा सा फोड़ है बाइकर्स का कम्युनिटी। एक्चुअली बुलेट क्लब तो है, दो तीन नहीं, 4-5-6 ऐसा कुछ होगा बुलेट क्लब अरुणाचल में भी। हमारा स्पोर्ट्स बाइक हो गया, उसके बाद नेकेड बाइक हो गया, ये सब का प्रॉपर बाइकर्स कम्युनिटी नहीं है। इसीलिए इधर अगर आप एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट डालते हैं तो अरुणाचल में ज़्यादातर बोलते हैं आपको क्या है, बदमाशी करते हो क्या, ऐसा क्या क्या बोलेगा आपको। ऐसा कुछ नहीं होता है, इवन आप बुलेट ग्रुप जाएगा तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, वाह करके देखेगा। लेकिन जब हमारा इधर भी अरुणाचल में भी नेकेड या स्पोर्ट्स बाइक का बाइकर्स ग्रुप होगा तभी मतलब अच्छा लगेगा देखने में भी। और मेनली तो बाइकर्स तो ग्रुप में अच्छा लगता है, ऐसा अकेला एक जोश डाल के जाएगा तो बोलेगा बदमाशी वाला लड़का है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर से हम बदमाश नहीं है, बाइक पे हम बहुत शौक रखते हैं। एक जोश ऐसा नहीं डाला है कि हम बदमाशी करने के लिए। ये सब जो स्पेक और रियलिटी बता रहा है जो हमारा अरुणाचल में ही चलता है वही है, और ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं लॉस आया था, वो बिस्किट दे के चला गया। तो एक्चुअली सब्जी पक चुका है, कल रात का सब्जी था, हम बनाया था अंडा करी, तो अंडा तो बचा नहीं, बस आलू बचे हैं, आलू के साथ बनाया था, तो पूरा अंडा खा दिया। तो अभी हम सब्जी को गर्म किया, अभी खाना पका रहे हैं, फिर खाएगा, कॉलेज जाएगा। और हाँ गाइस, हमको भी थोड़ा सा ज़्यादा लाउड लग रहा है एक जोश पे, तो हम देखेगा कुछ डीबी किलर यूनिवर्सल वाला डीबी किलर मिलता है तो हम डाल देगा, नहीं तो थोड़ा दिन देख के हम एक जोश स्टॉक एक जोश डाल लेगा, और कुछ ओकेजन होगा तभी हम एक जोश डाल के ले जाएगा। कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है और कॉलने में भी आसान है, हम भी अकेला खुद कर सकेगा, कॉल सकेगा, तो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। कुछ ओकेजन होगा तो लेके चला जाएगा एक जोश डाल के, और नहीं होगा तो स्टॉक में ही रहने देगा। और यहाँ का पुलिस लोग कैसा है अभी तक हम मालूम नहीं चले, और रूल्स रेगुलेशन यहाँ का अभी तक मालूम नहीं है इतना, तो सबसे पहले वो सब भी मालूम करना पड़ेगा। लेकिन एक दो तो बहुत दिखा है यहाँ पे एक जोश में, अफ्तर मार्केट एक जोश लगा के घूमने वाला, प्लस बुलेट भी बहुत सारा है यहाँ जो एक जोश डाल के जाता है। एक्चुअली बुलेट तो हम लोग से ज़्यादा लाउड है, राइस मिल जैसे आवाज़ आता है, कता 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 कता, तो वो सबको भी बोलना चाहिए। उस दिन गैरेज में बोल रहा था एक लड़का कि एक जोश एक बीतरी में था, उसको बोला कि पुलिस बहुत 2-3 बार वार्निंग दिए, तो हम नहीं चाहते कि हमको भी ऐसा वार्निंग दो।
तो हर हर डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होता है। जैसे आसाम में अफ्तार मार्केट एक जो बैन है, लेकिन वहाँ भी चलाता है जलाने में, बस जब चेकिंग का दिन होता है तब बच के रहते हैं, बस वही है। और एक जोश डाला है मतलब वो नहीं है कि आप बदमाश वाला लड़का है। वेल गाइस, तो हम प्रेशर बोलेगा, आप लोग को मिलते हैं आफ्टरनून पे। आफ्टरनून पे आके ब्लॉग कंटिन्यू करेगा, और अगर चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए, हम प्रेशर बोलेगा, मिलते हैं आप लोग आफ्टरनून पे। यूनिवर्सिटी जाना है, थोड़ा सा कुछ काम है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है, जनवरी को एग्जाम है, और देखते हैं जिन जनवरी को भी एग्जाम के बाद बहुत सारा प्लानिंग है, सक्सेसफुल होता है तो आप लोगों को भी जरूर ले जाएगा। तो चलिए वेल गाइस, तो यूनिवर्सिटी से हम बस अभी लौटा, तो चेक करा था माइक ऑन है या नहीं। देख सकते हैं सनसेट ऑलमोस्ट होने ही वाला है, शाम होने वाला है, और व्यू देखो, नज़ारा देखो कितना अच्छा आ रहा है। ऊपर से अंदर का आवाज़ भी बहुत ही बेहतरीन से आवाज़ निकल रहा है। और गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि मेरा घर का राशन पानी खत्म हो चुका है, खाने को कुछ नहीं बचा है, तो कुछ थोड़ा सा चीज़ लेना है, उसके बाद एटीएम जाना है हमको। बाप रे बाप। और गाइस, हम बस थोड़ा सा डर लग रहा है कि यहाँ का रूल्स हमको एक्चुअली पता नहीं, यहाँ एक जोश को पुलिस लोग बैन किया है या नहीं, क्योंकि आसाम में एक जोश बैन है, और ये ऑलमोस्ट आसाम से टच होता है, लेकिन अरुणाचल का रूल्स अलग होगा। लेकिन हम एक दो को देखा है यहाँ एक जो उसका साथ चलाने वाला, तो देखते हैं क्या होता है। और भाई, सीन ऐसा कुछ है कि यहाँ वो एरिया पे ज़्यादा पुलिस रहते हैं, तो हम यहाँ एक्सीलेटर नहीं देगा। उसके बाद एक्सीलेटर नहीं देखे, क्लच पकड़ेगा तभी ज़्यादा आवाज़ नहीं आते। एक टेक्निक है, अगर आप लोगों का सामने इमरजेंसी पुलिस आ गया और आपका बाइक के ऊपर लगा हुआ है अफ्तार मार्केट एग्जॉस्ट, तो एक्सीलेटर मत दो, क्लच पकड़ो, आवाज़ कम हो जाएगा, आपको डीबी किलर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये आज मार्केट बंद ही लग रहे, पता नहीं हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा एटीएम। और ये बीचों बीच रुका हुआ है गाड़ी, चलो ये भी टिक गए। हाय, एटीएम बंद है ना क्या? ओ, नीचे बाजार खोलेगा, नीचे बाजार खोलेगा ना, नीचे नीचे। वेल गाइस, एटीएम का भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, ऊपर वाला मार्केट आज बंद है, अल्टरनेटिव भी खोलता है। वेल गाइस, पैसा निकल चुका है, ओ भाई साहब, अभी क्या हुआ, जैसे अचानक से वो स्कूटी आया और मैं हम भी थोड़ा स्पीड में था, थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ, दिल बाहर आ गया था। तो अभी हमको जाके सब्जी लेना है। प्याज कैसे दे रहे, इतना भर गया, 40 नहीं है क्या? आधा किलो दो ना। टमेटो 20 का दे दो। वेल गाइस, तो हमने सब्जी ले लिया, देख सकते हैं मेरा लेफ्ट हैंड में है, हैंडल पे सबको अटकाया हुआ है। तो अभी चलते हैं घर की ओर, शाम भी होने वाला है, खाना सब्जी बना के भी खाना है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी तक चैनल पे नया है तो प्लीज़ तो सब्सक्राइब माई चैनल, जल्दी से जल्दी पहुँचा दो तू के। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।